मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देने जा रहे हैं। मतलब जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, और आपको ये भी मालूम है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कहाँ से बनेगा और प्रयागराज से होता हुआ आपका मेरठ तक ये एक्सप्रेसवे तैयार करेगी गवर्नमेंट। जो आपके सरकार के अंतर्गत तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे जो तैयार किए जा रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्लानिंग है, जो मास्टरमाइंड ये बना रहे हैं, इसको एक ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा जो पूरे भारत के अंदर, मतलब पूरे भारत के अंदर ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अपनी पहचान अलग ही होगी इस गंगा एक्सप्रेसवे की। क्यों होगी वो भी हम आज आपको बताने वाले हैं। इसलिए इसकी पहचान अलग होगी क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे होगा कि अगर आपको भारत के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको कहीं भी जाना होगा तो आप इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से कहीं भी जा सकते हो। मतलब इसके अंदर जितने भी तीर्थ स्थान हैं, मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे भारत के अंदर तीर्थ स्थान हैं उनको सभी को एक दो इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे को, सबसे पहले जब जो तैयार होता है तो इससे सबसे पहले जो जोड़ा जाएगा उत्तराखंड को भी इससे जोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो हमारे चाहे आपके अलग किसी भी तरीके से बात लेके चले अगर हम, तो उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, इसको भी इसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर तीर्थ स्थान, लोग वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे सीधा उत्तराखंड से ही जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर उत्तराखंड अगर जाना है तो एक एक्सप्रेसवे पड़ता है आपका रुड़की देहरादून हाईवे, एक हाईवे है जो आप जाते हो। लेकिन इन एक्सप्रेसवे को, जो हाईवे है, इनको गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं बिजनौर मार्ग जो है पोटी को भी इसी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे को इसी एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। ये योगी जी की प्लानिंग है। और प्लस मैं आपको बता दूं एक हाईवे और है जो आपका दिल्ली बागपत सहारनपुर होते हुए निकलेगा। मतलब ये भी हाईवे जो है गंगा एक्सप्रेसवे से ही कनेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा है आपका हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख जैसे तीर्थ स्थानों को इस गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये गंगा एक्सप्रेसवे जो तैयार किया जा रहा है, हमारा हरिद्वार को भी कनेक्ट करेगा, आपको जो है गढ़गंगा भी है, गढ़गंगा के पास से होता हुआ गुजर रहा है। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूँ, जब ये प्रस्ताव पास किया गया था गंगा एक्सप्रेसवे का, तो गंगा के बिल्कुल सटीक नजदीक से होकर गुजर रहा था, ये बिल्कुल हरिद्वार ये निकलता जाके। लेकिन कारण क्या रहा कि इस पर जो ट्रैफिक और जो ट्रैफिक सोर्स का जो प्रदूषण होता है वो गंगा पे हमारा प्रभाव पड़ता, और इसके पशु जो जानवर है, जो एनिमल है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता। तो जब सरकार ने जो है इसको जो है मेरठ से कनेक्ट करने की पूरी प्लानिंग करी, और अब इस पे प्लानिंग पे क्या कार्य भी इस पे जल्द से जल्द जो है शुरू होने वाला है, क्योंकि इसको जो है गंगा से सटीक 10 किलोमीटर के समथिंग जो है इसको उसके पास से गुजारते हुए मेरठ कनेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ये एक पूर्वज या हम तीर्थ यात्रा के हिसाब से भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ से आप सारे सिटी और सारे स्थानों पर आप मेरठ शहर से आप जा सकते हो। क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से होके जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होती है, आपका दिल्ली शहर हो, गाजियाबाद शहर हो, डासना हो, बुलंदशहर हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है और मैं योगी सरकार को सलूट करता हूँ इसी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर एक ऐसा जाल बिछा दिया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से कि सरकार जो करने जा रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनको सपोर्ट करता हूं, आप लोग भी सपोर्ट करें और जल्द से जल्द जो है जो गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य है वो भी जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ जी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत